फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शशि की रेसिपी। फ्रेंड्स होली नज़दीक आ रही है, सो मैं 8 दिन पहले से सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे कि खस्ता, खुरमा, खजूरियाँ, जो भी बनता हमारे यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको बनाना बताऊँगी। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ खस्ता और खुरमा से, नमक पारे से, हमारे यहाँ खुरमा ही बोलते हैं। सो फ्रेंड्स आइए चलते हमारे किचन में, स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं खस्ता खुरमा। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले ही ना, और कमेंट करना तो ज़रूर करें। नमक पारे और खस्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 1 किलो मैदा लिया है। मैं एक ही डो से खस्ता और नमक पारे बनाऊंगी। इसके लिए हमको डालना है थोड़ी सी अजवाइन, ये क्रश करके, जिसकी इसकी खुशबू बाहर निकल आए। और नमक तो अच्छे से डालना है, क्योंकि नमक पारे हैं, हम लोग सब्जी में 19-20 नमक खा लेते हैं, लेकिन इसमें 20 नहीं होना चाहिए, 21 होना चाहिए नमक, तभी खाने में टेस्टी लगेंगे। तो नमक हम डाल देते हैं करीब 1.5 चम्मच। और आइए इसको मोयन लगाते हैं। मोयन के लिए हमने फ्रेंड्स रिफाइंड तेल लिया है, ये देखिए ये गरम हो चुका है, गरम गरम ही मोयन लगाएं। और आप चाहें तो घी ले सकते हैं फ्रेंड्स, घी से तो और भी खस्ता बनेंगे, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं तो तेल यूज कर लें, हमारी तरह जिस तरह मैं तेल यूज कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मोयन लगाना है फ्रेंड्स, मिक्स कर लेते हैं इसको। अभी ये गर्म है तो चम्मच से मिला रहे हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो दोनों हाथों से रब करके मोयन को लगाएंगे अच्छे से। अभी इसको मिला के हम देख लेते हैं, अगर कम होगा तो और डालेंगे, और नहीं कम है तो फिर इसको दो लगाएंगे। फ्रेंड्स दोनों हाथों से इस तरह रगड़ रगड़ के मोयन लगाना है, तो हमारे मैदे में अच्छे से मोयन लगेगा। ये देखिए 4-5 मिनट तक इसे रगड़ रगड़ के रब करके इस तरह, हमको सूखा लग रहा है, मोयन नहीं लग रहा ठीक से। अभी और हम डालेंगे इसमें तेल, ये देखिए इतना हम डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे चम्मच से, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर हाथ से करेंगे। मोयन हमारा अच्छे से मिल चुका है मैदे में, ये देखिए फ्रेंड्स हमने 4-5 मिनट मिलाया है इसको अच्छे से, ये परफेक्ट है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डो लगाते हैं, टाइट डो लगाना है फ्रेंड्स हमको। खस्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स हमको इस तरह का डो चाहिए, ये हल्का पानी, इसको हाथ में लेते हैं और इस तरह कर लें। हमारे यहाँ कानपुर में इसी तरह बनते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि होली के 8 दिन पहले इस तरह के खस्ता, नमक पारे, खजूरियाँ सब बनती हैं। खजूरियाँ का भी वीडियो हम डालेंगे फ्रेंड्स, अभी तो हम खस्ता बनाना बता रहे हैं आपको। और इस तरह पहले इसको बांध लें, क्योंकि ये सूखा है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह का है ये डो, ये सूखा है, इसको अच्छे से बांध लेंगे इस तरह करके, इस तरह प्रेस कर दें अंगूठे से, और ये बनके तैयार हो गया। तेल हमारा कढ़ाई में गर्म है फ्रेंड्स, और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हल्का गर्म चाहिए। ये देखिए धीमी धीमी आँच पर हमारी पकेंगे खस्ता, कढ़ाई के हिसाब से मैं खस्ता डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक तेल में डूबेंगे नहीं तब तक ये अच्छे से सिकेंगे नहीं। हमने 4 डाले हैं और इनको कम से कम 6-7 मिनट तक सेकना अलट पलट के फ्रेंड्स। एक तरफ पकते हुए इनको कम से कम 4 मिनट हो गए हैं, और लो फ्लेम करके हमने पकाया है इनको, और इसको पलट देते हैं। ये देखिए इस तरफ भी हमको 3-4 मिनट पकाना है, धीरे से पलट देते हैं क्योंकि इनका टूटने का डर ज़्यादा रहता है। और जिसको भी ये एक खस्ता देंगे खाने के लिए, उसकी तो तबीयत हरी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसको भी पलट लेते हैं धीरे से, और इसे भी, ये देखिए
सारे पलट गए हमारे खस्ते, और जब तक ये पक रहे 4 मिनट तब तक आइए हम अपने नमक वाले का एक टाइट डो लगा लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखें, इसको भी टाइट डो ही लगाना है, लेकिन खस्ते जैसा नहीं, इसको थोड़ा सा नरम बनाना है। कुछ इस तरह का डो चाहिए हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइट, और इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और इधर हमारे खस्ता भी पक चुके हैं फ्रेंड्स, इनको 4 मिनट एक तरफ और पलट के 4 मिनट हमने पकाया है, और ये अंदर तक क्रिस्पी हो चुके हैं अच्छे से, आप देख रहे हैं इनका कलर। और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं धीरे से, अभी ये गर्म है तो टूट जाने का डर रहेगा, अभी जब ठंडे हो जाएंगे तब फिर नहीं टूटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितने लजीज और टेस्टी खस्ता बने हुए हैं, हमने निकाल दिए हैं सारे खस्ते। और अब आइए बनाते हैं नमक पारे। 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, डो हमारा रेस्ट ले चुका, इसको और थोड़ा सा मसल देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा तोड़ते हैं इस तरह का। छोटे छोटे मैंने पेड़ ये बना लिए हैं, और इनको इसे गोल कर लें, ये बेलन से अच्छे से पतली शीट बना लें। ये हमारा देखिए, हमने बना लिए एक बड़ी सी पूरी ये, और आइए चाकू से इसे कट करते हैं जिस तरह का आपको पसंद हो, लंबे, चौकोर, और अरे क्या कहते हैं इसको, डायमंड के शेप में आप काट लें, हमको इस तरह पसंद लंबे, मैं लंबे बनाऊंगी। इस तरह फ्रेंड्स हमको पसंद है जिस तरह हमने बनाया, आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह बनाएं। ये हमारे कट चुके हैं नमक पारे, हमारे यहाँ तो खुरमा बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो नई जनरेशन वो नमक पारे बोलते हैं। ये देखें, और तेल हमारा मीडियम है, ज़्यादा गर्म नहीं है, और जब ये अच्छे से ऊपर आ जाएंगे तो थोड़ा सा तेज कर देंगे आँच को, तो क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको कलछी से इस तरह हिलाइए, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ऊपर आ चुके हैं नमक पारे तेल के ऊपर, ये देखिए। और हम थोड़ा सा आंच को बढ़ा देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो सकें, क्रिस्पी बने। जब तक हमारे वो पक रहे हैं तब तक और एक बना लेते हैं, इनको भी बेल लेते हैं अच्छे से, इनको भी उसी तरह काट लेते हैं फ्रेंड्स। इनको मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी, ये इस तरह। ये फ्रेंड्स देखिए, हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कोई नहीं बनाता, सब मार्केट से ला के खाते हैं, वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और घर पर बनाओ तो 2-4 दिन बच्चे खाते हैं, खुश होते हैं, उनको भी पता चलता है कि हाँ इस त्यौहार में ये चीज़ हमने खाई है, उनको भी याद रहता है। और आइए दूसरा तलते हैं। इसको भी उसी तरह तल लेते हैं फ्रेंड्स, मुझे हर त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और मैं उनमें से हूँ जो अपने त्यौहार को जिंदा रखे हूँ। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बनाते, सब मार्केट से ला के खाते हैं, होली तक नहीं खेलते। खैर होली तो मैं भी नहीं खेलती, अपने फ्रेंड्स साथ खेलती हूँ, बाहर वो हल्ला नहीं मचाते।
ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये भी नमक पारे तेल में चले गए हैं और बातों ही बातों में हमारे नमक पारे बन के रेडी हो गए हैं। और आपको मैं इसको पकाने बाद आपको दिखाऊंगी सर्व करके एक अच्छी सी प्लेट में। ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है और आइए सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे खस्ता और नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं, मैंने सर्व भी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम खस्ता, ये देखिए मुंह में घुलने वाले, ये देखिए खस्ता बने हुए हैं। एक मैं आपको खस्ता भी तोड़ के दिखाऊंगी, माउथ वाटरिंग खस्ता। ये देखिए फ्रेंड्स एक ही खाने पर एकदम फ्रेश माइंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं हमारे ये खस्ता। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।